शाजापुर में एबीवीपी द्वारा हैदराबाद में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में आंखों में गुस्सा लिए सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी का प्रदर्शन शासकीय बीएसएन महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ। नारेबाजी करते हुए रैली के स्वरूप में छात्राओं को साथ में लेकर सड़कों पर निकले। रैली बीएसएन कॉलेज से प्रारंभ होकर हाथों में पोस्टर लिए स्थानीय बस स्टैंड पहुंचे, जहां बलात्कारी स्वरूप पुतले को सार्वजनिक स्थल पर लड़कियों द्वारा फांसी दी गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ऐसे शर्मनाक कार्य करने वाले दोषियों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से हमारे देश की बेटी, हम सभी की बहन प्रियंका रेड्डी के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हुआ और उनकी जघन्य हत्या जला करके कर दी गई, उसको लेकर के आज ये पूरा मानव समाज, ये पूरा छात्र समाज शर्मसार है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, हम सभी छात्रों के द्वारा इस देश की सरकार से मांग की गई है कि तुरंत ऐसे बलात्कारियों को सजा दी जाए, तुरंत उनको फांसी दी जाए और फांसी तक ही सीमित नहीं रखते हुए संविधान में संशोधन किया जाए कि इस प्रकार के जघन्यतम अपराध के लिए, जघन्य भी नहीं कह सकते, इसे जघन्यतम अपराध कहेंगे कि इस जघन्यतम अपराध के लिए ऐसे लोगों को अंग भंग कर दिए जाने चाहिए। ऐसे लोगों करके जिस प्रकार से हमारी बहन प्रियंका रेड्डी को जला करके मारा गया, ऐसे अपराधियों को भी जला करके जिंदा जला देना चाहिए। इस प्रकार की सजा की मांग हम आज इस देश की सरकार से करते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो हम जैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को देश की सरकार आमंत्रित करे। अगर हमें सड़कों पर उतार दिया गया और कानून हमारे हाथ में हम लोगों ने उठा लिया तो हम ऐसे बलात्कारियों के पोटी पोटी नोचने का काम भी कर सकते हैं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वॉइस ऑफ एमपी के लिए शाजापुर से दिलीप स्वराज की रिपोर्ट।